स्टूडेंट्स इन दिस मेड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस जस्ट लाइक नेचुरल इन सोशल साइंसिस वी आल्सो फॉलो द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च रिसर्च चाहे क्वान्टिटेटिव हो या वो फिर क्वालिटेटिव हो आप कुछ जो सेट पैटर्न हैं आपको उसकी रिपोर्ट के लिए वो फॉलो करना पड़ते हैं तो ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं आपके रिसर्च रिपोर्ट के तो जब भी आप रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट आपने लिखना होता है वो है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका इंट्रोडक्शन आता है इंट्रोडक्शन के बाद आप अपनी मेथडोलॉजी बताते हैं इसको हम रिसर्च मैथडोलॉजी भी कह सकते हैं और मेथड सेक्शन भी कह सकते हैं आ, इसके बाद आपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है और रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन एंड कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके रिसर्च रिपोर्ट में तो अगर आपकी रिसर्च रिपोर्ट इन फॉर्म ऑफ अ थीसिस है तो एबस्ट्रेक्ट के बाद आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन के बाद आपका एक और चैप्टर ऐड होगा जिसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं तो वो भी आप ऐड करते हैं अगर आप जो है एक रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं यूजली uh, जो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उसमें हम सेपरेट सेक्शन लिटरेचर ऑफ व्यू का नहीं बनाते बल्कि उसको इंटीग्रेट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ ही तो अब ये जो सेक्शनस uh, हैं uh, इसके ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है और मैथडोलॉजी कैसे लिखी जाती है तो इन तीनों सेक्शंस के ऊपर हम आने वाले मड्यूल्स में डिटेल में बात करेंगे